पिछले 7 जनवरी से वेतन बढ़ोतरी के साथ 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही रसोईया की मानदेय में सरकार द्वारा बढ़ोतरी किए जाने को लेकर बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन ने मुजफ्फरपुर शहर के SUCIC कार्यालय मोतीझील में किया बैठक। बैठक के माध्यम से सरकार के फैसले पर यूनियन के सदस्यों ने जताया हर्ष। कहा, वेतन में आंशिक वृद्धि होना रसोइयों के संघर्ष का नतीजा है। इस लड़ाई की प्रथम जीत रसोइयों ने हासिल किया है, जिसको लेकर यूनियन के सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की। साथ ही रसोइयों से अपील किया गया कि स्कूलों में अब नियमित रूप से खाना बनाने का काम करें। बैठक में यूनियन के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा, 14 सूत्री मांगों को मानने के लिए सरकार जिस दिन बाध्य होगी उस दिन रसोइयों की असली जीत होगी। इसके लिए रसोइया एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। बैठक का मूल उद्देश्य है 7 जनवरी 2019 से रसोइया का अनिश्चितकालीन हड़ताल संयुक्त रूप से चल रहा था। 40 दिनों के संघर्षमय आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने आंशिक तौर पर मानदेय में वृद्धि 250 रुपया किया और दमनात्मक कदम जो सरकार द्वारा उठाया गया था उसको वापस लेने और किसी को नहीं हटाने की धमकी को वापस लिया और आज हड़ताल की जो हड़ताल को स्थगित आज किया जाता है आज बैठक के माध्यम से। और साथ ही साथ हर प्रखंड में हम लोग संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जो हमारा मांग है न्यूनतम मजदूरी कम से कम 18,000 रुपया, रसोइया को सभी तरह के अवकाश की सुविधा दिया जाए, PF पेंशन दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, इन सब जो 14 सूत्री की मांग जो हमारा है जो अधूरा है, सिर्फ मानदेय में 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और बाद बाकी मांग हमारा यूं ही पड़ा हुआ है। इन मांगों को पूर्ति होने तक मजबूत आंदोलन की तैयारी को लेकर आज ये बैठक हो रही है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसके बाद आंदोलन को फिर छेड़ेंगे, उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। फैसले से कितने संतुष्ट है आप? सरकार के फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये तो मामूली वृद्धि हुआ है। जो हमारा 18,000 मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इससे संतुष्ट हम लोग होने वाले नहीं है। परिचय बताइए। मैं नरेश राम, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी यूनियन का राज अध्यक्ष।